सब ऐसा ही ऑसम कंटेंट चाहते हो तो सोच क्या रहे हो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, दबाओ इस रेड बटन को और ग्रे करो इसे। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एडु एंटरटेनमेंट। सो स्टूडेंट्स आज हम नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एडु एंटरटेनमेंट शॉर्ट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिक्स टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन को प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा भी आएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और मैं वीडियो शुरू करने के पहले जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाए हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तो जरूर देखिए, लिंक विल बी इन द आई बटन। और हमने पाई पे भी वीडियो बनाया और अभी अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे वीडियो बनाया है। अगर आपको फन लर्निंग फन तरीके से अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स के बारे में जानना है तो जरूर हमारे एडु एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रास का वो दो वीडियो चेकआउट करिए, वो हमने वो भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। देन शुरू करते थोड़ा जोश के साथ। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर। सो स्टूडेंट्स मैं आप वन बाय वन आपको सारे स्टेप्स दिखाता हूं जिससे आप कोई भी लीनियर इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, क्वेश्चन को कम से कम दो बार तो पढ़े जिससे आपको अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ सके। ब्रेक डाउन क्वेश्चन इनटू स्मॉल पोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आप पूरा क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा है क्या एक्स एंड वाई है, क्या डिसाइड करूँ, क्या डेटा दिया हुआ है, आप छोटे छोटे पोर्शन में आप उस क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए, आप जरूर आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। राइट वन बाय वन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको डेटा दिया हुआ है वो आप वन बाय वन लिख लीजिए। फोर्थ स्टेप, सपोज एक्स एंड वाई वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दो चीज क्या पूछी है तो उस एक चीज को एक्स बोल दीजिए, दूसरी चीज को वाई बोल दीजिए, तो आप एक्स और वाई डिसाइड कीजिए। मेक लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन डेटा, जो आपने डेटा अपने खुद अपने हाथों से लिखे है उसके बेसिस पे आप लीनियर इक्वेशन बनाइए। छठा और लास्ट स्टेप, जो आपने लीनियर इक्वेशन बनाया है उसको सॉल्व कीजिए। तो ये है सिंपल छह स्टेप, आप फॉलो करेंगे आप कितना भी हार्ड लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा आप सॉल्व कर ही लेंगे, वो मेरी गारंटी है। सो स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल लिया, ये एक्सरसाइज 3.7 का पहला सम है, पहला प्रॉब्लम है। तो आप इस एग्जांपल को मैंने आप स्क्रीन पे आप देख नहीं सकते होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पॉज करके आप दो बार इसे पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये दो बार पढ़ लिया होगा पॉज करके। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमका दूसरा स्टेप कि इस क्वेश्चन को स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर ले। तो देखो मैंने स्क्रीन पे डिवाइड कर लिया, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। अभी ये क्या करना है कि जो डेटा दिया है वन बाय वन आप लिख लीजिए। तो मैंने इस वीडियो के लिए उस मेजर डेटा को मैंने उस मेन डेटा को मैंने हाईलाइट कर लिया है। अभी क्या करना है हमारा फोर्थ स्टेप कि एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई वेरिएबल सपोज करना है। तो हमको पूछा गया क्वेश्चन में कि अनी की एज फाइंड कीजिए और बीजू की एज फाइंड कीजिए। तो अनी की एज को मैंने एक्स मान लिया, बीजू की एज को मैंने वाई मान लिया। अभी इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि धर्म की जो एज है वो दो टाइम अनी है, धर्म अनी का फादर है और उसकी एज जो है ट्वाइस ऑफ अनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि धर्म इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अनी, अनीज एज विच इज इक्वल्स टू धर्म एज, देयरफॉर धर्म एज इक्वल्स टू 2x। हमको और क्या दिया हुआ है कि बीजू की जो एज है वो उसकी बहन कैथी से दो गुना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीजूज एज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैथीज एज। तो हम क्या बोल सकते हैं वाई इक्वल्स टू 2 ऑफ कैथीज एज, कैथीज एज, और 2 को हम इस साइड लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैथीज एज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ये हमारा जो हमको धर्म की एज और कैथी की एज भी हमको एक्स और वाई के टर्म्स में मिल गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, हमको क्या दिया हुआ है कि अनी एज और बीजू के एज का जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि एक्स कौन है अनी और वाई कौन है बीजू की एज। हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा कि कैथीज एज माइनस धर्म एज इज 30 इयर्स, और कैथी के एज और धर्म के एज में जो डिफरेंस है वो 30 साल का है, और कैथी की एज क्या है एक्स और वाई के टर्म्स में वाई बाई 2, और धर्म की एज क्या है एक्स और वाई के टर्म्स में 2x, हमने पहले ही बना लिया था। तो वाई बाई 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 30, ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब हम इसको क्या करना है, लास्ट स्टेप में सॉल्व करना है, तो आप बोर्ड पे मैं आपको सॉल्व करा था। सो स्टूडेंट्स हमारे दो इक्वेशन क्या थे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा क्या था y बाई 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 30। ओके एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 4x इक्वल्स टू
हमारे पहला इक्वेशन या हमारा दूसरा इक्वेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये इक्वेशन लिख लेता हूँ माइनस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस 3x हो जाएगा, x माइनस 4x और 3 माइनस 60 हो गया माइनस 57, ये हमारा कट हो गया, तो x हमारा हो गया 57 बाई 3, जिसे 3 वन जा 3 और 3 नाइन जा 27, x हमको 19 मिल गया। आप इक्वेशन में फटाक से रख दो 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, वाई साइड आ जाएगा मतलब 19 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, तो वाई की हमको वैल्यू मिल गई 60। तो हमारा ये दो, हमारी ये अनी की एज आ गई, हमारी बिजू की एज आ गई। तो सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर से बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए मस्ती है।